हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आरके स्कूल कुसाइल बाजार से। आज मैं क्लास सेकेंड के लिए मैथ पढ़ाऊंगा और सबसे पहले कुछ बातें हो जाए। उम्मीद है आप घरों पर कुशल मंगल से होंगे। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि सारा देश इस समय COVID-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो आप भी घरों पर रहें। और जो स्कूल में हमारे प्रबंधक जी रंजीश सर की तरफ से ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है पढ़ाई के लिए, आप उसका घर पर रहकर लाभ लें। और आप घरों पर रहकर अपने हाथ को साबुन से बार बार धुलते रहें और किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और बेटा अपनी आप बुक ओपन कर लीजिए। और सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए बुक परचेस अवश्य करा दें, क्योंकि बुक के माध्यम से ही अध्ययन कार्य करना है। और बुक अगर आप नहीं परचेस कराएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और विद्यालय अभी एक या दो या तीन महीने तक बंद रहे, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि मार्च से भी आप बैठे हैं, तो आगे भी ना बैठना पड़े तो इस ऑनलाइन व्यवस्था का फ़ायदा उठाएं और जो है अभिभावक अपने बच्चों को बुक परचेस करा दें। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर आपका जो है 6 हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है आपका राइट द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर नेम। जो भी इस पर लिखी गई है इसका नंबर लिखना है, गिनती का नाम लिखना है। यहाँ लिखा भी है राइट द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर। इसमें एक शब्द आया है कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसी तरह, मतलब जो भी नंबर लिखे हुए हैं इसी तरह इसकी नंबर को आपको लिखना है। तो मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, दो चार सवाल आपको मैं बता देता हूं, बाकी इसके सामने जो बॉक्स बने हैं उसे आपको अपने आप से ही करना है, वही आपका होमवर्क भी रहेगा। तो इसके सामने जो बॉक्स बने हुए हैं उस बॉक्स में भी आप नंबर, उसी बॉक्स में आप नंबर को लिखेंगे। होमवर्क के तौर पर आपको बुक में भी लिखना है, लेकिन ध्यान रहे बुक में आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, पेन का नहीं। और इसी होमवर्क को आप बुक में भी लिखेंगे और कॉपी में भी नोट करेंगे। तो पहला नंबर मेरा है 65, हम लिखेंगे इसमें 65। ये बेटा हो गया 65। सामने आइए 79, ये हो गया 79। इसके बाद 88, ये हो गया बेटा 88। फिर 94, ये मेरा हो गया 94। इसके नीचे बेटा जो बचता है, जैसे मैंने दिया 41, तो आप यहां लिखेंगे सामने इसके बॉक्स में 41, ठीक बेटा। फिर 26, ये आपका हो गया 26। ऐसे बेटा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको बता दिया है। इसके आगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने आप से करेंगे घर पर, ठीक बेटा। फिर इसके आगे नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट सवाल पेज नंबर 7 पर सबसे ऊपर लिखा है राइट द नंबर्स जस्ट आफ्टर आर बिफोर टू द गिवन नंबर। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। एक और देखिए, राइट द नंबर्स जस्ट आफ्टर और बिफोर आर बिफोर द गिवन नंबर।
द गिवन नंबर। ठीक है बेटा, देखिए इसे फर्स्ट लिखा है 89, फिर आपका बॉक्स है, फिर बॉक्स बना है, फिर दिया गया है 98, फिर बॉक्स है, फिर दिया गया है 35। ठीक बेटा, यहां लिखा है राइट द नंबर्स जस्ट, मतलब तुरंत, आफ्टर मीन्स बाद में, आर अथवा बिफोर मीन्स पहले, जो नंबर दिया गया है उसके बाद का और उसके पहले का नंबर आपको लिखना है। इसे 89 लिखा है, 89 के बाद आप क्या मर देंगे, क्या आता है बेटा 90, 98 के पहले क्या आता है 97, 98 के बाद क्या आता है 99, 35 के बाद क्या लिखेंगे आप 36। ये एक कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर बॉक्स है आपका खाली, और फिर है 77, 25, इसी तरह आपको कंप्लीट करना है वैसे। हैं तो 77 के पहले क्या आता है 76, 25 के बाद क्या आता है 26, ऐसे ऐसे आपको अपने आप से कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको आज दो सवाल बताया है, पेज नंबर 6 का एक और पेज नंबर 7 का भी एक। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे दूर करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।